जी। हेलो बहनी, क्या हाल है तुम्हारे? थोड़ी देर पहले तक तो ठीक थी, अब थोड़ा अजीब सा फील कर रही हूँ। तंज करने के बजाय ना मेरी बात समझने की कोशिश किया करो, तुम ठीक नहीं हो। हालात से आंखें बंद करने से या मुंह फेरने से हालात ठीक नहीं हो जाते। और अब क्या हुआ हालात को? हालात तुम्हारे हाथ से सरकते जा रहे हैं। कितनी दफा समझाऊंगी कि अपने महबूब हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो। तुम्हें मेरे हालात की फिक्र कब से होने लगी? तुम्हारी बहन हो तुम, किसी के कुछ नहीं हो। अतिया खाला की जबान मत बोलो, अपनी अकल का इस्तेमाल करो। जुनेद के इरादे ठीक नहीं लगते, वो सबको बर्बाद कर देगा। तुम ये बात कैसे कह सकती हो? तुमसे कहा तो था कि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। वो इंतकाम पर उतर आया तो सबको बर्बाद कर देगा। इंतकाम? हाँ, उसे लगता है कि हम सब ने उसके साथ धोखा किया है और मैंने पैसों की खातिर रस्म से शादी किया। बात तो सच है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज इमाम, कुछ करो, फुप्पो से बात करो, अब्बू को बताओ। तुम्हारा सब ये अच्छा अच्छा कहना ना हम दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हम दोनों के लिए या सिर्फ तुम्हारे लिए? हम दोनों के लिए। अगर जुनेद ने मेरा घर बर्बाद किया तो तुम्हें लगता है कि मैं उसका घर आबाद रहने दूंगी? सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताओ कि अतिया भाभी हॉस्पिटल से वापस आ गई? नहीं, अभी तक तो नहीं आए वो लोग। अच्छा, और कौन कौन गया था साथ में? यहाँ से तो बड़ी बहू को साइम साहब अकेले ही लेकर गए। और नूर गई थी? नहीं, वो तो पहले ही कहीं चली गई थी। कहाँ? पता नहीं साहब जी, मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही नूर। आराम से कनीज, जाओ एसी खोलो और बेड सही करो। जी बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। जी।